यशोमती मैया के नंदलाला। मुझे कोषागार क्यों लेकर आई हो प्राप्ति? ये दिखाना है। अद्भुत स्वामी, केवल धन ही नहीं, कुछ और भी है जिसपे हमने कई गुना वृद्धि कर दी है। आइए चलो। सेना तो पहले भी थी महाराज, पर अब आपकी सेना आकाश जितनी विशाल और समुद्र जितनी विराट हो चुकी है। ये देखिए, महाराज कंस की जय। 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यही नहीं महाराज, बीते 3 वर्षों में मथुरा ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है वो सभी आपको इस कर विवरण पुस्तिका में स्वयं दिखाई दे जाएंगी। आपके अधीन राज्यों पर कौन सा और कितना ऋण है ये उसी की विवरण पुस्तिका है महाराज। हमें प्रसन्नता है महाराज कि आपकी अनुपस्थिति में हम मथुरा को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाए। एओ, गोकुल का पन्ना रिक्त क्यों है? क्या इतने वर्षों में तुम दोनों ने गोकुल पर कोई कर लगाया ही नहीं क्या? इतना कर लगाया है महाराज कि हमारे कोषागार का एक बड़ा हिस्सा गोकुल के धन से ही भरा हुआ है। यदि हम अन्य राज्यों में 2 गुना कर बढ़ाते थे तो गोकुल को उस कर का 4 गुना प्रकोप सहना पड़ता था, पर महाराज गोकुल सभी कर समय पर देता चला गया। करों के भुगतान में गोकुल ने कभी विलंब नहीं किया। फिर तुम दोनों की ये उपलब्धियां मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। उस अवतार के जन्म के 1 वर्ष बाद ही मैंने अपनी तपस्या आरंभ करी थी। तब से लेकर आज तक बीते 3 वर्षों में यदि तुम दोनों गोकुल का तनिक भी अहित नहीं कर पाई तो तुम्हारी असफलता मुझसे बड़ी है। कोई बताएगा मुझे इससे इतनी अधिक चोट कैसे लगी? अधिक ना मैया, थोड़ी तो लगी है। अब कर
बस भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया इसी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहा है पर इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि काना का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना। पर मेरी भूल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है, आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ, कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। 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 ताई जी, आप हमें कोई भी दंड दे देना, पर कान्हा को बाहर जाने से मत रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है। बस करो सबके सब, मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो, मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में जो बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। चे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना। आपने सही कही थी, ये सब तो जीवन के पाठ हैं, स्वयं ही सीखने पड़ते हैं ना। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई व्यक्ति एक ही भूल को दोबारा ना करे। समझ आई? हाँ मैया, पक्का। आगे सिद्धाओं किसी कार्य को करने से मना करेंगे तो मैं इनका कहा अवश्य मानूंगा। अरे नहीं, इसका अर्थ ये है कि तेरे दाव ने तुझे समझाया था, मना भी किया था, फिर भी तूने अपने दाव की बात ना सुनी। मैया, पीड़ा होने लगेगी, फिर कान पे भी वही हल्दी वाला लेप लगाना पड़ेगा। यशोदा, मैं चलता हूँ, उपनंद भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो हम सब भी चलते हैं। कान्हा, अपना ध्यान रखियो, कल आपसे भी बड़ा मेल बनाएंगे और उसमें कान्हा की ध्वजा भी लगाएंगे। चलो सब ध्यान से जाना सब। भाभी, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बता, क्या खाएगो? भोजन करनो है, फल खानो है कि माखन खानो है? मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ, जिसका पूरा घर माखन से भरा हुआ है। मैं उसे तनिक सा माखन खिलाने की सोच के प्रसन्न हो रही थी। जानकी, माखन की अजी
अधिकता से नहीं प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं। और तुम्हारे इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पार पाँव भी धरने ना देगी। तुम वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे, हर बार 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 पूरा कर। कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलंब नहीं हुआ। भैया विलंब तो ना होगो? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देनो अति आवश्यक हो गया। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता, क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नन 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आयो कहां से? कभी जानने तक कभी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अब ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद कहां खो गए? लगता तो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया, मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया, पर आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे। कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल 8 प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्तों का विनाश किया जाए। लल्ला कान्हा रुक, अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पांव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ पर दोष मेरा ना है मैया, वो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था, इसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु? आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना? मैया को चुप करा रहे है? अधिक भूख ना है तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है,
अब हाथ ना आऊंगा आपके। अरे लल्ला कहाँ जा रहे हो तू, क्या होगा? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है। अरे लल्ला क्यों भूख ना है रे? लो जी अब आप ही संभालो इसे। जो खा क्यों ना रहो तू? हाँ? अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे। सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। काना एक तो तू भोजन ना करो, ऊपर से मैया को तंग कर रहे है, पिटाई होगी आज तेरी। सुनो आप भी स्वांग कर लो काना के जैसे, एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा अब बहुत हो गया परिहास, ये बता के तू भोजन क्यों ना कर रहा? हाँ सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा, पहले मैया ने लड्डू और फल दे के भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए, देखो कैसे जमाई ले रहा है, इसे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला सो जा तू। मैया मैं सोने जाऊं? ठीक है सो जा, पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान ना रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो, बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ ना स्वयं भी फंस जाएगो लल्ला, मुझे भी फंसा देगो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लियो, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो। जब से आए जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहा है कान्हा? कान्हा तुझे नींद आ रही है ना, चल मैं सुला देता हूँ तुझे। चल चल तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगो, और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। तो मैं ध्यान ना रखती, हम्म? जल भी ना पूछती। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला, कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का, लीजिए गोकुल नरेश जल पीजिए। बस बस जल से ही पेट भर लेंगे, जो भोजन जो मैंने बनाया है। आई क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आरंभ कीजिए गोकुल नरेश।
मैया ने मुझे देख लिया है।